हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम का टाइम है और कल है होली, परसों है धुलैंडी। तो यहाँ पर धुलैंडी के लिए आज से ही तैयारी, और हमारे यहाँ पर बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। तो बच्चों का है गोलगप्पे खाने का मन, क्योंकि पिछले साल हमने बनवाए थे तो पेट भर के सबने मजे से खाए हैं। अब की बार गोलगप्पे की क्वांटिटी होगी कुछ ज्यादा, फैमिली के अकॉर्डिंग, और कुछ रिलेटिव्स भी आ जाते हैं। तो चलो जी, यहाँ पर प्रोसेस जो है चालू हो चुका है। हलवाई साहब हमारे आ चुके हैं, इन्होंने पिछले साल बनाया। ये देखिए, यहाँ पर सारी तैयारी कर दी है, और ये हमारा गैस का पोर्टेबल चूल्हा यहाँ पे इंतजाम कर दिया, और तेल चढ़ा दिया कढ़ाई में। तो मेजरमेंट सूजी का यहाँ पर रखा गया है 2 किलो का, और तेल कितना चढ़ाया होगा आपने? और यहाँ पर ये तेल चढ़ाया है 4 लीटर। तो जी, अभी सूजी छान लिया है इन भैया ने, तो पूरा प्रोसेस हम दिखाएंगे और बनाने भी सीखेंगे। पिछले साल भी सीखे थे, लेकिन ध्यान नहीं रहते, फिर वही हो जा, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, हेजिटेशन हुए पूरी नुको कभी खराब हो जा। और वे नु कहेंगे गुड्डू के पापा नुको रकम का नाश कर दिया। क्या बनना भाई? गोलगप्पे। अच्छा, गोलगप्पे बनने। ये देखो, ये आरुषि क्या कर रही बेटा? ये बर्तन साफ कर रही। ये जोन सो में खावे असली वालों में, मैं तो करती नहीं है। थोड़े से दिनों में रात तो चप्पल तो पहन ले, पानी में ना घुसे। देख, उसका बुखार हो गया नंदनी के। तो बच्चों को कितना भी रोक लो, लेकिन पानी में घुसते ही घुसते हैं, क्योंकि सीजन ही ऐसा चल रहा है। सबको होली खेलने का इतना उमाया जो है, हेल्थ कोई नहीं देखेगा। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स काटने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले किशमिश, तो भैया लगा रहे हैं डो पतासों के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा गरम मतलब तेल डाला है, और ये बता रहे थे जो डो लगता है वो मौसम के हिसाब से लगता है। अभी बीच वाला मौसम है, गर्मी भी है सर्दी भी है, तो यहाँ पर इन्होंने ऑयल में ही थोड़ा सा ठंडा पानी डाला है। तो इस तरीके से मिक्स करके ही ये डो लगाएंगे। अभी देखिए हमारे जब गोलगप्पे बनेंगे तो कितने अच्छे बनेंगे। तो डो लगाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इधर जो तेल है वो गर्म हो गया है, लेकिन अब की बार इन्होंने हमें बताया है कि आप ना बड़ी भट्टी ले आओ, जब हर साल बनवाते हो और कुछ ना कुछ बनाते रहते हो, क्योंकि उस पर ईजी हो जाता है हमारा काम भी, क्योंकि इन लोगों को जो है हलवाई लोगों को आदत नहीं होती छोटे चूल्हे पर काम करने की। ड्राई फ्रूट्स कट रहे हैं, क्योंकि हम बनाएंगे ठंडी चाट भी। और इधर जो है गोलगप्पे का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो आटा बना लिया है जो गोलगप्पे के लिए है, और अभी देखिए छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाई जाएगी और उनको बेला जाएगा। और ये लोइयाँ ना हमारे से हो जाती है टेढ़ी मेढ़ी, क्यों? हमें एक्सपीरियंस नहीं है कहीं से ऊंची कहीं से नीची, तो इसी कारण हमारे गोलगप्पे फूल नहीं पाते जो पहले हमने बनाए थे, तो यही कारण हुआ था जो लास्ट के रहे। तो जी, जब काफ़ी सारी गोलगप्पे बनते हैं तो समय लग जाता ही है। देखते ही देखते यहाँ पर अंधेरा भी हो गया, खाना बनाने का समय भी हो गया। तो हम लोग जो है राजभोग बनाने की भी तैयारी करेंगे, इन्होंने बताया है, वो मैं आपको बताने सिखाऊंगा। हम बना तो नहीं पाएंगे इनके जैसे, लेकिन एक बार कोशिश करके ज़रूर देखेंगे मैं और प्रीति। तो यहाँ पर हमारे गोलगप्पे जो हैं बन रहे हैं टाइट से हाथों से। ये थोड़ी सी जितनी भी छोटे ही बॉल साइज की आपको मतलब लोई नज़र आ रही है, ये बहुत ही टाइट हाथ से करनी है, लेकिन इसको जो प्रेस करना है बहुत अंदर। और ये दाल में लिखते है कि राजभोग बोलते हैं इनको, और ये ठंडे हो गए सुबह के टाइम बर्फ में। अच्छा, इनमें बर्फ लगाना पड़ेगा? हाँ, नीचे लगाना पड़ता है। तो ये दूसरे तरह की चाट बनेगी जी। ये देखिए राजभोग, जिस जिसको पता है, तो आज हमारे यहाँ पे भी वही बनने वाली है। ये देखिए, मैं तो अभी खाऊंगी। और मेहनत यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक। ये देखो आरुषि और नंदनी कितना आग बटा रही है। नंदनी और नंदनी का फीवर अब ठीक हो गया। वैसे बोले तो हम इन्हें मिनी गोलगप्पे भी बोल सकते हैं। मिनी गोलगप्पे यहाँ, ये देखो। और यहाँ काफी सारे गोलगप्पे बनके तैयार है, अभी और बनेंगे, और इनका डो बनेगा और बनेंगे। तब तक वहाँ किचन में उधर दाल पीस रही है, फिर चाट बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें मिक्स कर लिए हैं। एक तो हमने ले लिया है मावा, जो हमने फ्रेश वाला निकाला था अपने घर पर ही, और ये ड्राई फ्रूट्स में लिया है बादाम, और ये किशमिश, और इसमें थोड़ा सा लगा लेते हैं ये जो फूड कलर है। देखिए बस इतना इतना सा लगाऊं भैया? थोड़ा और लगाओ, थोड़ा सा और, दो चुटकी तो बहुत है ना। बस बहुत ज़्यादा।
और इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के अब इन सबको मिक्स करना है। और यहाँ पर राजभोग बनाने की तैयारी हो रही है, ये देखिए। और मेरे हाथ भी बिल्कुल पीले पीले हो जाएंगे इस फूड कलर में। जो मिनी गोलगप्पे थे उनको मैंने फिल करना शुरू कर दिया है, और जो डो लगाया था वो मुझे थोड़ा लग रहा था क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इनमें अंदर घुसा घुसा के भराया, जिससे कि हमारे जो राजभोग है वो काफ़ी टेस्टी लगे खाने में। अगर कोई बाहर का इंसान भी खाए तो वो कहे कि हाँ क्या बात है, लाजवाब एकदम, और किसने बनाया ये भी पूछे। तो इधर दोबारा से फिर से जो है गोलगप्पों के लिए डो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पहले जो बनाया था वो ख़त्म हो चुका है। और एक बार से ही डो इतना, जैसा हमने 2 किलो का बनवाएंगे तो एकदम से नहीं उसका डो बना कर रखते हैं। एक दिन रिजर्व कर रख के यहाँ पे अपना राजभोग जो इस्तेमाल होगा दुलैंडी के दिन, होली के दिन, रंगों वाली, वो यहाँ पे मटेरियल देखो हलवाई जी लगे हैं। और इन हलवाई जी के साथ में हमारे इतने सारे हलवाई जी, कोई बेलन ले रहा है, कोई रोलर पिन, रोलर बोर्ड, और सबका योगदान है इसमें। और यहाँ बन रहे हैं पानी पूरी, गोलगप्पे हैं या पानी पूरी है नंदनी है? डोलगप्पे। अच्छा पानी पूरी कैसे हो हैं? अब ये गोलगप्पे हैं और जब इन्हें पानी में डुबो देंगे तो ये हो जाएगी पानी पूरी। आरुषि तेरी सारी कोशिश नाकाम है, तो सारा काम बिगाड़ रही नंदनी दस है। यहाँ पर ठंडी चाट बनाने की तैयारी। और ये जो सुबह के टाइम दोनों प्रकार की दाल भिगोई थी, उड़द की दाल और मूंग की दाल, ये फूल कर मोटी मोटी हो चुकी है। और इधर देखिए जार में डाल दी है, और अब इसको बिना पानी के डाली है, और अब इसको पीस देते हैं बहुत ही बारीक करके। और जब तक हलवाई साहब जो है अपने पतासे जो है बनाकर तैयार कर देंगे, और इधर हमें भी उन्होंने काम पर लगा दिया है। हो तो रहा है खाने का टाइम, लेकिन हमें भी हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि ये हम ही तो खाने हैं। जितने भी होली खेलने आओगे दोस्त परिचित, वेलकम है आप सबका भी। आइए होली खेलने के लिए, और साथ में दावत भी मिलेगी चाट पकौड़ी वाली, कैटरिंग की व्यवस्था है पूरी। गुड्डू तो क्या बना रही इसमें? मैं ये इसमें मेवा बना रही है। जिसके जो हाथ लग रहा है वो ही बना रहा है, कुछ को तो नाम भी नहीं पता क्या बन रहा है ये। बस और नहीं डालते बेटा, रोटी बनानी तो पिछले चूल्हे पे चली जा रही थी, देख वहाँ बन रही रोटी। ये किस आइटम में यूज होंगे? ये राजभोग बता रहे हैं, कुछ नया आइटम। ये जो दाल पीसी है ना, इस दाल में इस्तेमाल हो। ये क्या मूंग की दाल है? मूंग की और थोड़ी सी उड़द की है इसमें। अच्छा उड़द की, मूंग की, उड़द की तो बड़े बनने में काम आवे, वही है क्या ये? अच्छा सारा तो पता नहीं, लेकिन जितना पता उतना बता दिया। तो जी पूरा प्रोसेस मैंने आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे यूपी स्टाइल में जैसे बनता है वो मैंने आपको दिखाया है। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, कोई कोई चीज़ यूज करता है। और राज कचौड़ी भी बता रहे थे अगर बनवाना चाहते हो तो मैं बना दूंगा, लेकिन हमने फिर सोचा कि बहुत सारा आइटम हो जाएगा क्योंकि होली वाले दिन ब्रेड पकौड़े भी बनाने हैं और मिर्च पकौड़े भी बनवा लेते हैं ये लोग, तो बच्चे ही तो हैं, इतना सारा सामान, इतना स्पाइसी खाना कहाँ खा पाएंगे। गोलगप्पे के थोड़े शौकीन होते हैं तो पेट भर के खा लेंगे, इसी वजह से हमने वो बनवाए हैं जरूरी समझ के। नहीं तो मैं तो हर साल ब्रेड के गोल वाले पकोड़े बना लेती हूँ, उन्हीं से काम चल जाता है, उन्हीं की चाट बन जाती है। तो ये देखिए राजभोग जो है हमारा तैयार होने जा रहा है, और जैसे जैसे आपके सामने व्लॉग आते जाएंगे किस तरीके से हम इसकी चाट बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे। तो इनको अभी मतलब पूरा नहीं तला है, एक बार डीप फ्राई बोलते हैं वो किया है, और उसके बाद जब ये तेज सा ऑयल हो जाएगा तो उसके बाद फिर इनको दोबारा फ्राई करेंगे। तो उसी बीच में अपना दूसरा प्रोसेस शुरू कर देंगे, जैसे कि पतासों के लिए पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी बनाना है, उसकी भी साथ के साथ हमने तैयारी कर दी है। इधर मैं एक एक गोलगप्पा मिनी वाला इसमें डाल रही हूँ, मसाला बनाने की तैयारी। और यहाँ पर प्रीति ने जीरे को थोड़ा सा रोस्ट करके दे दिया है, अब इसे इस पर पीस लेंगे। और ये पटड़ी पेड़े बड़े काम के, दोनों के दोनों, और राजभोग के लिए अलग बने हैं, और ये बचे पेस्ट के वड़े बन गए हैं ये देख। और उधर पुदीना साफ कर लिया है भैया ने, इसकी बनाएंगे पानी। पुदीना डलेगा ना उसमें पानी में, हाँ बस। और अब इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे,
और बस इधर ये जीरा तैयार हो जाएगा, उधर शाम का डिनर हो रहा सबका। और चिंकी ना फ्लाई निकटनी किस्त है, और चिंकी ना सामान से मारी देखो, और मैं खिला रही थी यार उसको खाना। और ये जीरा जो पिस रहा है उससे पूरे आंगन में हमारे इतनी महक हो गई है बहुत ज़्यादा। वैसे मैं खाना खा नहीं रही थी, लेकिन माँ ने बोला कि सुबह के टाइम व्रत भी रखना है, तो इसलिए एक रोटी खा ले, फिर कल जो है एनर्जी डाउन नहीं रहेगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो खा ही लेते हैं, लेकिन शाम के टाइम ना बहुत ही कम अब हम खाना खाते हैं, बस दूध पीकर सो जाते हैं। लेट नाइट तक काम करते हैं तो खाना जो है हजम करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर ये पुदीना है, हरा धनिया है, अदरक के टुकड़े हैं, हरी मिर्च है, तो इन सबको धोकर जो एक जगह पीसना है। और यहाँ पर ले लिया है हमने स्टील का कुआ, और इसमें हम पानी बनवाएंगे। ठंडी चाट की सामग्री बंदी से कहते हैं हमारे यार राजभोग। शादियों में ना जब हम जाते हैं तो सबसे ज्यादा मैं राजभोग ही खाऊं शादियों में। और ये डाल दिया है इन्होंने सबसे पहले इसमें इमली का पानी, जो इमली हमने ये देखो सारा पल्प निकाल दिया इन इमलियों का, और ये रह गए इनके बीज और वे जिनपे वो कटारे से हुए हैं, ये डल गया इसमें ड्रम में। तो इतने ही खट्टे है पानी में बन कर रहेगा इसमें देखो, और यहाँ तक भर जाएगा ये। और इधर अभी ये वड़े जो है एक बार और निकलेंगे इसमें तेज तेज सी आंच में, तो अब ये काम जो है आसान हो जाएगा। पहले भी मुझे आसान ही लग रहा था, मुझे सारे काम आसान ही लगते रहे। ये देखिए जी, और ये कैंपर का पानी, अभी भैया ने काट कर ये सारी चीज़ें पानी में डाल दी थी, तो प्रीति इनको पीस देगी। और उस टाइम मैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए चली गई थी, बाकी का व्लॉग जो है वो गुड्डू ने बनाया है। और इन्होंने देखिए जो जीरा पीसा था वो भी डाल दिया है उसमें ही, जो गोलगप्पों के लिए पानी है। तो जी यहाँ पर अब इनको पीस देंगे सबको, और इनका एक पेस्ट बनाएंगे। ये सब चीज़ें उसमें ही जाएगी, इसमें जो है इसमें छोटी इलायची अदरक के टुकड़े वो सब डाल दिए हैं। और काली मिर्च पाउडर भी डाला है, तो इन्होंने बता दिया था सारी चीज़ें क्या क्या इसमें डालना है। तो जी इतनी क्वांटिटी में इन्होंने रखा है, क्योंकि गोलगप्पे हमारे जो टब है ना जिसमें बर्तन धोते हैं उसमें रखे हैं हमने पेपर डालकर, क्योंकि टोकरी कोई हमारे पास में नहीं थी तो उसी के हिसाब से बनवाए हैं। और इधर जो राजभोग है वो दोबारा फिर से फ्राई शुरू कर दिए हैं करने तेज फ्लेम में, तो अब इसमें डालेगी चीनी। चीनी डालने के बाद में इसको लगातार चलाते रहेंगे, लेकिन जो भी मसाले इसमें डले हैं उनको साथ के साथ मिक्स करना होता है। क्या कह रहा आरुष, कितने बनेंगे और? बहुत सारे, ये भी खोल दे बेटा। चार रोटा बन जाएगा इतने में। क्या खा रहे हैं आप? मुरमुरे। मुरमुरे, अच्छा। और कल क्या खाओगे? कल गोल गप्पा पार्टी। मैं तो अभी खाऊंगा जब बन जाएंगे। कंपटीशन हो जाए, किसके साथ करेगी? चिंकी। चिंकी के साथ हरा देगी चिंकी तो।